नमस्कार दर्शक बंधु, पीपल्स पार्लियामेंट चैनल रा आउ एक अध्याय को आपन मानको स्वागत करछि। जेहेतु आम चैनल रा नाम हो पीपल्स पार्लियामेंट, आज आम आलोचना करबा पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विषय। भारत रा पार्लियामेंट रा तीनि जण इंटीग्रल पार्ट, प्रथम हेले प्रेसिडेंट, द्वितीय हेले राज्यसभा और तृतीय हेले लोकसभा। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को दुईटी डुअल रोल थाए, सीए होजन हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, द्वितीय आसंदे राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा जहाँ को अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और हाउस ऑफ एल्डर्स और यूनियन ऑफ द स्टेट्स बोली कहा जाए। लोकसभा को भारत रे हाउस ऑफ द पीपल बा लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और पॉपुलर चैम्बर ऑफ द पार्लियामेंट बोली कहा जाए। चलो तो प्रथम देखिबा पार्लियामेंट रे कौन कौन रोल थाए। पार्लियामेंट रे दुईटी बड़ रोल, गोटे है ऑर्डिनरी रोल आउ गोटे है कॉन्स्टिट्यूएंट रोल। ऑर्डिनरी रोल जहाँ कि से शेड्यूल 7 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रे ताको मिली थाए, जो थिरे तीनोटी पार्ट रे ताको डिवाइड कराई छि, यूनियन, स्टेट एंड कंकरेंट पावर्स। सेम द कॉन्स्टिट्यूएंट पावर्स होउछि जहा फल रे गोटे पार्लियामेंट चाहिले कॉन्स्टिट्यूशन रे गोटे अमेंडमेंट आनी परिबो विदाउट सेटिंग अप और विदाउट द नीड टू सेट अप अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली न बनिकि से एटा गोटे अमेंडमेंट आनी परिबो। अंडर द आर्टिकल 368 डॉक्ट्रिन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द पार्लियामेंट को मेंटेन करके से माने किछि भी चेंजेस जदि चाहिबे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेटअप न करके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे चेंजेस आनी परिबो। एबे चलन तो आमे देखिबा राज्यसभा विषय रे। राज्यसभा रा टोटल मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स होचंदि 250, जहां को भितरु 238 होचंदि इलेक्टेड आ 12 जण होचंदि नॉमिनेटेड, नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ए नॉमिनेशन पे सजेशंस दे परबे प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स। ए जो लोक माने जो माने 12 जण नॉमिनेटेड हेबे से माने होचंदि आर्ट्स, लिटरेचर, सोशल साइंसेस और विभिन्न फील्ड रो एक्सपर्ट्स माने जो माने आनंति तांकर यूनिक सेट ऑफ नॉलेज इनटू द राज्यसभा, जहाँ फल कि आमे विविध प्रकार रो आमे ओपिनियन पाई परिबो। इट इज मैंडेटरी फॉर द प्रेसिडेंट टू नॉमिनेट 12 मेंबर्स। भारत रे एबे 28 स्टेट आउ 3टा यूनियन टेरिटरी, तो ए जो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स था एबे अच्छी 233 जन हो चुके इलेक्टेड और 12 जन नॉमिनेटेड, तो सेटा 245 जन हो चुके एबे कर एक्जिस्टिंग मेंबर, जहाँ भीतर 225 जन आ चुके स्टेट रू और 8 जन आ चुके यूनियन टेरिटरी रू। अच्छा धरी दंतु जदि गोटे स्टेट रे मेंबर्स लोकसभा रे गोटे स्टेट रे जदि लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर्स 300 अच्छा ताले केमती आम जानवा केत जन ता भितर मेंबर्स आसपारे। फॉर एग्जांपल जदि ए जो राज्यसभा रे तांकर दुईटी सीट अछि, ताहले टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स जदि सेठी अछंती लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर्स अछंती 300, ताले तर फार्मूला होची टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ द वैकेंसी प्लस 1 एंड टोटल प्लस 1, माने 300 डिवाइडेड बाय 2 जहां होचे द नंबर ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा, 2 प्लस 1 त माने 3, त माने 300 बाय 3 मेकिंग इट टू बी 100 प्लस 1 जहां कि 101, त माने जे कोनोसी लोको सेठारे 101 टी वोट पाइला से नॉमिनेट हेकरी आसीले राज्यसभा को मेंबर हेकरी से जागा थरो। एबे राज्यसभा रा स्पेशल पावर जदि आमे देखिबा, राज्यसभा इज कंसीडर्ड एज द परमानेंट हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। परमानेंट हाउस कहीं कि एक रे सदा बेले 1/3 मेंबर प्रत्येक 2 वर्ष रे रिटायर करंती। फर्स्ट द्वितीय जिनस कोन ए जो इलेक्शंस गुडा हुए से इलेक्शन द ओपन बैलेट इलेक्शन, तो आपण भारत रो जे कोन से जागा रो गोटे जो रजिस्टर्ड वोटर छन, फॉर एग्जांपल मु गोटे रजिस्टर्ड वोटर जदि ओडिसा रो तले मु चाहेले केरल रे जाई के राज्यसभा सीट पे लड़ी परिबी। तेनु जदि आपण रजिस्टर्ड वोटर तले अन्य जागा रे आपण लड़ी परिबे आ एटा गोटे ओपन बैलेट रे से माने वोट कास्ट करके आपनकु नॉमिनेट करि परिबे, आपनकु नै परिबे राज्यसभा को। एबे आसीबा तार किछि स्पेशल एक्ट, द स्पेशल एक्ट विद आर्टिकल 67B, जोटा कि गोटे स्पेसिफिक पावर ऑफ द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, सेटा हला रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। जदि वाइस प्रेसिडेंट को रिमूवल करिया पे चाहुचो ताहले गोटे रिजोल्यूशन पास करा जिबा, माने गोटे रिजोल्यूशन पास करिया को पड़िबो जोटा कि अप्रूव हबो लोकसभा रे, किंतु सेटा इनिशिएट केवल राज्यसभा रे ही हे परिबो।
प्रथम द्वितीय जो एक्सक्लूसिव पावर या राज्यसभा पाखे अच्छी से आर्टिकल 249 जोटा कि कहे कि आम जदि कौन गोटे जो स्टेट लिस्ट कि गोटे अच्छी स्टेट लिस्ट कि गोटे आमेडमेंट करने को चाहिए तेल राज्यसभा से इनिशिएट करके आमेडमेंट आनीपरि এই সবুতক ভিতরে আমি এবে যা দেখা লোকসভার আর রাজ্যসভা ভিতরে কন ডিফরেন্স আছে লোকসভা ইজ হেডেড বাই টোটাল নম্বর অফ সিটস অফ লোকসভা ওয়াজ 552 কাহিকি 552 বলে কহিলি প্রথম জানি নেওয়া 530 জন হচ্ছেন স্টেট মেম্বরস যা ভিতর আউ 20 জন হচ্ছেন ইউনিয়ন টেরিটরি আউ 2 জন মেম্বর ফ্রম অ্যাংলো ইন্ডিয়ান কমিউনিটি কিন্তু 2020 রে अकॉर्डिंग टू 104 अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेटा को ए जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी रा सीट्स को एबोलिश करा गला तेणु वर्तमान करेंटली भारत रा लोकसभा रा मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर हला 550 जन एमन समस्त रजिस्टर्ड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज तो एबे करेंटली 524 स्टेट रु आसुचंती 19 जन आसुचंती यूनियन टेरिटरीज रु तो टोटल हेले 543 जन किंतु मैक्सिमम स्टेट स्ट्रेंथ होची 550 जन कर भारत रे वर्तमान 543 री कॉन्स्टिट्यूएंसी अछि आ से कॉन्स्टिट्यूएंसी रु जणे 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 लीडर बाछी कि आसंती एबे देखिवार लीडर किमिति बाछी होंदी जदि गोटे कन्स्टिट्युएन्सी को आपण जिबे ताहाले को लीडर टी बाछी हेबे ना धरनतु ए जगार ए राज्य रे पाखापाखि ए कन्स्टिट्युएन्सी रे पाखापाखि लक्षे लोक लक्षे भोटर्स अछन्ती ए लक्षे भोटर्स मानक भितरु 10 जन धरनतु कैंडिडेट्स अछन्ती 10 जन कैंडिडेट को भितरे समस्तंकु त एका प्रकार भोट मिलिबनि तरो एठे आसे फर्स्ट पास्ट द पोस्ट फार्मूला फर्स्ट पास्ट द पोस्ट फार्मूला माने जहाँ को एठी मेजोरिटी मिलिछि सीए माने नुहे कि सीए ही केवल एथिरे विनर हेबे एठी सिलेक्टेड कैंडिडेट को जे हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स पाइचंदी सीए होजन सिलेक्टेड कैंडिडेट तो धरने तो जणे जो 15000 कि 17000 वोट पाइचंदी आ तांको तुलना रे अन्य मानन को जदि देखिबा आउरी कम 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 तांकटर वोट पाइचंदी तो सी जे 15000 कि 17000 वोट पाइचंदी सीए होजंदी यांकर इलेक्टेड कैंडिडेट किंतु जेतेबेले जदि आमे मेजॉरिटी कथा देखतान ताले जे 50001 वोट पाइचंदी सी एक्चुअली इलेक्टेड कैंडिडेट हवा कथा बट हियर वी फॉलो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट फार्मूला जदि आमे देखिबा स्पेशल प्रिविलेजेस ऑफ द लोकसभा ताले स्पेशल पावर गोटे जो बड़ जिनस जोटा लोकसभा पाखे अछि सेला कॉन्फिडेंस नो कॉन्फिडेंस एडजर्नमेंट एंड सेंसर मोशन ए चारिटा होची स्पेशल पावर्स ऑफ द लोकसभा लोकसभा रे प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रहितांती तेनु इट बिकम्स अ वेरी इट बिकम्स अ डायनामिक हाउस ऑफ पावर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आ गोटे जोटा लोकसभा रो सबुठारो बड़ पावर जदि आमे कहिबा तेल सेटा हो फाइनेंशियल एंड द मॉनेटरी बिल मॉनेटरी बिल और मनी बिल अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 110 एटा आसी थाए ए पावर टा केवल इट कैन ओनली बी इनिशिएटेड इन द लोकसभा आउ लोकसभा रो जदि गोटे मनी बिल टा इनिशिएट हिजे से राज्यसभा को पठाई परिबे राज्यसभा ना एटा को रिजेक्ट करि परिबे ना याको अमेंड करि परिबे राज्यसभा केवल सजेशंस दे परिबे धन्यंतु राज्यसभा किछ सजेशंस देले देला परे लोकसभा रे ताको ए जो ग्रहण करा गले लोकसभा को से एक्सेप्ट करलेनी किंतु स्टिल समन से डको पास कर देले जदि 14 दिन भितरे कोनोसी प्रकार रो जदि 14 दिन भितरे ता उपरे कोनोसी अंकुश न उठिला तले इट इज कंसीडर्ड टू बी पास तो इत्ते बडो पावर टा गुटे जो लोकसभा पाखे रहे एंड बिकॉज़ दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स तो से माने बहुत अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करंती विद द पीपल इन देयर कॉन्स्टिट्यूएंसी एबे देखिबा लोकसभा किमा राज्यसभा ए दुइटा जक हाउस को माने लीड करंती प्रथम देखिबा आमे लोकसभा लोकसभा रा लीडर हो माने जे तर चेयरपर्सन सी होचंदी द स्पीकर ऑफ द लोकसभा आउ डेप्युटी स्पीकर होचंदी स्पीकर कर तळे जे जदि स्पीकर कर एब्सेंस रे आसीगिरी से हाउस टाकु चेयरमैन करथन चेयर करथंदी त स्पीकर एंड डेप्युटी स्पीकर आर इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लोकसभा जदि स्पीकर किंबा डेप्युटी स्पीकर जदि नाहंती तले लोकसभा इज चेयर्ड बाय पैनल ऑफ 10 मेंबर्स जो माने कि स्पीकर का द्वारा
ନୋମିନେଟେଡ୍ ମେମ୍ବର ଥାନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ସେ ପ୍ୟାନେଲ ଅଫ୍ ଦ ଟେନ୍ ମେମ୍ବର୍ସଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆସିକିରି ତାକୁ ଚେୟାର କରିଥାନ୍ତି। ଏବେ ଦେଖିବା ଆମେ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ସେଇ ସିଷ୍ଟମ କ'ଣ ଅଛି। ରାଜ୍ୟସଭାର ଚେୟାରପର୍ସନ ହେଉଛନ୍ତି ଦ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଏଇଠି ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିଦେବା ଦରକାର, ଏଇଠି ଆମେ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର କି ରାଜ୍ୟସଭାର ମେମ୍ବର ନୁହନ୍ତି ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଇଜ୍ କନ୍ସିଡର୍ଡ ଆଜ୍ ଦ ଏକ୍ସ ଅଫିସିଓ ମେମ୍ବର ଚେୟାରପର୍ସନ ଅଫ୍ ଦ ରାଜ୍ୟସଭା। ତ ସିଏ ମେମ୍ବର ନୁହନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଦ ଚେୟାରପର୍ସନ ଅଫ୍ ରାଜ୍ୟସଭା। ସେକେଣ୍ଡ ହେଲେ ତାଙ୍କ ତଳେ ଯିଏ ରହିଲେ ସିଏ ହେଲେ ଡେପୁଟି ଚେୟାରପର୍ସନ ହୁ ଇଜ୍ ଇଲେକ୍ଟେଡ୍ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଦ ମେମ୍ବର୍ସ ଅଫ୍ ଦ ରାଜ୍ୟସଭା। ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ସେ ଇଲେକ୍ଟେଡ୍ ହେଇଥାନ୍ତି। ଯଦି ଚେୟାରପର୍ସନ କିମ୍ବା ଡେପୁଟି ଚେୟାରପର୍ସନ ନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଅଲ୍ସୋ ହେଡେଡ୍ ବାଇ ଏ ପ୍ୟାନେଲ ଅଫ୍ ସିକ୍ସ ଭାଇସ୍ ଚେୟାରପର୍ସନ୍ସ ଯେଉଁମାନେ କି ନୋମିନେଟେଡ୍ ମେମ୍ବର୍ସ ଥାନ୍ତି ରାଜ୍ୟସଭାରେ। ଆଶା କରୁଛି ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟାରୀ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ତା ବିଷୟରେ ଆପଣ କିଛି ଜାଣିପାରିଥିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଆମକୁ ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହିଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଦରକାର ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ସେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ଦବାନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଥିବା ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓଜ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିବ। ଜ୍ଞାନ ଗୋଟିଏ ଶକ୍ତି, ଆଶା କରେ ଆପଣ ଏଇଥିରୁ କିଛି ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିଥିବେ। ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର। 12